देव समागम मंडी में सदियों पुरानी परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। छह देवियां बगलामुखी, देवी बूढ़ी भैरवा पंडू, देवी काश्मीरी माता, घुमावती माँ पंडू, देवी बुशाई माता, राज माता, कहनवाल रूपेश्वरी राज माता न जलेब में शिरकत करती है और न ही पड्डल मैदान में होने वाले देव समागम का हिस्सा बनती है। बता दें कि शिवरात्रि मेले के दौरान एक सप्ताह ये सभी देवियां राजमहल में रानियों के निवास स्थान रूपेश्वरी भेड़े में घूंघट में वास करती है। रियासत काल से चली आ रही देव समागम शिवरात्रि में रानियों से सखी प्रेम को नरोल देवियां आज भी निभा रही है। श्री बगलामुखी देवी के पुजारी गिरधारी ने कहा कि छह देवियां रानियों की तरह घूंघट डालकर राजमहल में एकांत वास करती है और राजमहल में ही रानियों के बेहड़े में वास कर देवियां रानियों से सखियों की तरह बातें करती थी। उन्होंने कहा कि ये देवियां राजाओं की रियासतें नहीं रही, लेकिन देवियां महोत्सव में छोटी काशी मंडी आती है, लेकिन मेले में शिरकत करने के बजाय रूपेश्वरी भेड़े में घूंघट में ही विराजमान रहती है, जहाँ भक्त उनके दर्शनों के लिए काफी संख्या में पहुँचते हैं। मैं गिरधारी लाल कटवाल, श्री देवी बगलामुखी बाखड़ी से। तो ये देवियाँ जो है राजाओं के टाइम से नरोल रहती है। पहले जो सारे लोग जो है ना मेले में चले जाते थे तो राज्य की रानियाँ जो होती थी उसको नरोल रखा जाता था। वैसे हमारी माता को भी नरोल रखा गया है। रानियों से मतलब बातचीत करने के लिए अपना सहेलियों की तरह रहती थी। तो तब से लेकर आज तक मतलब ये परंपरा हम भी निभा रहे हैं। जैसे पहले नरोल रखा जाता, अभी तक वही परंपरा को निभा रहे हैं, आगे भी हम ऐसे निभाएंगे। इसमें आती है जी बगलामुखी हो गई, बुढ़ी भैरवा जी हो गई, काश्मीरी हो गई कुकला से, तो धुमावती हो गई कनवाड़ से, बगलामुखी हो गई बुशाई माता भगवती, तो एक रूपेश्वरी रोपे वाली माता जी, ये छह बहनियाँ मतलब नरोल रहती है। ये कभी भी मेले में नहीं जाती है और शुरू दिन से आती है और लास्ट में यहीं से वापस चली जाती है। तो हमारी बगलामुखी माता है मंडी जिला में, इसको सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। सबसे पहला दरबार देवियों में श्री बगलामुखी का आता है। तो आगे भी ऐसा चलता रहेगा। धन्यवाद। देवी की क्या विशेषता है, मतलब देवियों क्या मान जाती है परंपरा के अनुसार? मतलब दस महाविद्या में देवी बगलामुखी एक ये बैरी दुश्मन कोर्ट कचहरी का काम मतलब जोर से करती है। जो काम कहीं भी नहीं होते कोर्ट कचहरी का, वो माता बगलामुखी के पास होता है। जय। एक लड़की भी थी हमारे मतलब से भी चौथी बार आई मंडी इलाज करने को, चौथी बार आई ना मंडी। तो लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से अश्वनी भारद्वाज की रिपोर्ट।